नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संजय राउत की विद्रोह करने वाले विधायकों पर प्रतिक्रिया, राउत ने कहा जिन विधायकों से संपर्क में है उन्हें विद्रोही नहीं मानते। किरीट सोमैया ने साधा संजय राउत पर निशाना, सोमैया ने कहा कि संजय राउत कितने दिन छिपेंगे उन्हें हिसाब देना होगा। और कामठी में 5.5 करोड़ के विकास कामों का हुआ लोकार्पण, नागरिक सुविधा कार्यों को प्राथमिकता से करने के सुनील केदार ने दिए आदेश। अब खबरें विस्तार से। संजय राउत ने विद्रोह करने वाले विधायकों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो 12 विधायक गुवाहाटी में है उनको 11 जुलाई तक गुवाहाटी में आराम करने का प्रमाण मिला है, महाराष्ट्र में उनके लिए कोई काम नहीं है। संजय राउत ने कहा कि 11 तारीख को हमारी जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जिन विधायकों से संपर्क कर रहे हैं उन्हें बागी नहीं मानते। ऑर्डर आया है 11 जुलाई तक जरूर ऑर्डर आया है कि ये जो विधायक है जो गुवाहाटी के वादियों में बैठे हैं, नदी पहाड़ पानी, तो उनको 11 जुलाई तक और वहाँ आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है, ज़रूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए, अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम करना है। माननीय उद्धव जी असतील, प्रिय आमचे आदित्य ठाकरे असतील, आम्ही सगळे असू, अजूनही आम्ही त्यातल्या काही लोकांना बंडखोर मागायला तयार नाही। ज्यांच्याशी आमचा संपर्क होतो आहे, त्यांच्या नातेवाईकांचा आमच्याशी संपर्क होतो आहे, ते ऐकल्यावरती त्यातले बरेच लोक आहेत, अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक आहेत, त्यांना आम्ही बंडखोर वगैरे अजून मानायला तयार नाही। कारण ज्या परिस्थितीत त्यांना तिथे ठेवलं गेलेलं आहे किंवा त्यांना नेलं गेलेलं आहे, ते जोपर्यंत या मुंबईत येत नाही तोपर्यंत आम्ही आशावादी आहोत आणि आम्हाला विश्वास आहे। आता काल न्यायालयाने एक निकाल दिला, त्यानंतर परत त्यांच्या चलबिचल सुरू झालेली। लोकांना लोकभावना इतक्या तीव्र आहेत, काल अकोल्यामध्ये मी पाहिलं आत्ताच आपल्या सगळ्या माध्यमांवर 25,000 लोक काल रस्त्यावरती उतरले होते नितीन देशमुखांच्या समर्थनार्थ, आणि जे बंडखोर निघून गेलेले आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये आणि उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देण्यासाठी, म्हणजे अक्षरशः जनसागर उसळला। ठिकठिकाणी काल कर्जत असेल किंवा अन्य ठिकाणी आदित्य ठाकरे गेले सभा घेतल्या, आपण पाहिलं असं चित्र, लोक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर येत आहेत। लवकरच ठाण्यामध्ये तुम्हाला हे चित्र दिसायला लागेल। शिवसेनेमध्ये किंवा शिवसेनेला मानणारी जनता ही अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही। नागपूर में भाजप के विदर्भ पदाधिकारियों की आज बैठक हुई। इस वक्त विदर्भ के कई पूर्व विधायक व पदाधिकारी मौजूद थे। आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन व बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की गई। नागपुर में आज भाजपा द्वारा पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस मौके पर भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार, सांसद अनिल बोंडे, सांसद विधायक समीर मेघे, समीर कुनावार, विकास कुंभारे समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन व बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर इस बैठक में मंथन हुआ। दोपहर 1 बजे लक्ष्मीनारायण के अशोका होटल में विदर्भ के सभी भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों की यह बैठक हुई। सभी विधायक कल मुंबई जाएंगे। इस बैठक में मौजूद सुधीर मुनगंटीवार भी मौजूद थे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बुकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट।
विधायक विनोद अग्रवाल इनके कार्यालय पर कुछ लोगों ने हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। गोंदिया के अपक्ष विधायक विनोद अग्रवाल इनके कार्यालय पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने छानबीन कर 3 घंटे के भीतर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विनोद अग्रवाल इनके कार्यालय और घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं शहर पुलिस स्टेशन में भी पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में एक आरोपी की तलाश जारी है, ऐसी जानकारी गोंदिया पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे ने दी है। सुबह बजे के दरमियान यहाँ के विधायक श्री विनोद अग्रवाल साहब के ऑफिस पर 6 से 7 अज्ञात हमलावरों ने आके वहाँ पे लाठी से और बंदूक से उनके ऑफिस के कांच पर प्रहार किया 2-3 बार। ये सुनकर हमारे अंदर जो पुलिस कर्मचारी पहले से मौजूद थे, कल से हमने उनको 2 शस्त्रधारी पुलिस कर्मचारी उनको एक्स्ट्रा दिए थे उनके ऑफिस में, तो वो बाहर आ गए और उनको देख कर वो 6-7 लोग भाग गए। हमारे पुलिस अम्बला ने उनको आवाज़ दी तो वापस वो आ गए, तो इस वह फिलहाल कांच पे किए, लेकिन इस घटना में कांच फूटी नहीं है या कोई भी जीवित हानि या वित्त हानि वहाँ पर हुई नहीं है, कोई भी जख्मी या सल्ले में हुआ नहीं है। घटना घटने के तुरंत हम मैं खुद वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर हमने अभी एक RCP दी है राइड कंट्रोल पटून 30 लोगों का और एक सब इंस्पेक्टर और 5 महिला अम्बला वहाँ पर हमने तैनात किए हैं, तो ये सब का बंदोबस्त वहाँ पे 24 घंटे वहाँ पे रहेगा, 24 घंटे अगला आदेश मिलने तक। और ये जो अज्ञात हमला है उनमें से हमने 6 लोग हमने मात्र 2 से 3 घंटों में हम लोग को अटक किया। VKB न्यूज़ के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। किरीट सोमैया ने संजय राउत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राउत कितने दिन छिपेंगे, उन्हें हिसाब देना होगा। राहुल गांधी को हिसाब देना पड़ा था, अनिल परब से 4 दिन पूछताछ होने वाली है तो राउत को भी जाना पड़ेगा। राउत बंधुओं ने पात्राचल पुनर्निर्माण परियोजना से हजारों करोड़ रुपए बांटे हैं, चोरी की है, झूठ बोला है तो जेल जाना पड़ेगा, ऐसा आरोप सोमैया ने राउत पर लगाया है। कितनी दिवस लाम राणर, कितनी दिवस लपड़ार, हे पैसे आहेत, लुटले गेले आहेत, पत्राचाळ प्रकल्पाचा ठिकाणा नाही, PMC बँक, DHFL, वाधवान, तो वसईचा तो प्रोजेक्ट पर्ल ग्रुपचा, प्रवीण राऊत हिशोब तर द्यावाच लागणार आहे, राहुल गांधीला जावं लागलं 4 वेळा, अनिल परब 4 वेळा गेले, राऊतांना हिशोब द्यावाच लागणार। दिग्रस तालुका के कई किसानों ने मिट्टी की बुवाई कर दी है। इसी तरह पिछले 25 दिनों से किसान बारिश के आने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश न होने के कारण किसानों के लिए एकमात्र विकल्प बुवाई के लिए मोटर पंप द्वारा पानी उपलब्ध कराना है, लेकिन इन जगहों पर भी दिग्रस तालुका में 25 रोहित्रों के खराब होने से पीड़ित है। कई किसान दोहरी बुआई के संकट का सामना कर रहे। यादव गावंडे के साथ सरपंच संगठन ने बिजली वितरण के उप कार्यकारी अभियंता राठौर से किसानों के दुख को तत्काल सहानुभूति देने और उन्हें तत्काल न्याय देने की मांग की है। निमित्ताने तुम्हाला सांगतो, नाही तर आम्हाला सुरळीत लाईन द्या, त्या लाईन येण्याचा आनंद झाल्यापेक्षा दुःख जास्त होते, किंवा आल्यानंतर किती सेकंदात जाते त्याच्यामुळं खूप त्रस्त आहे, ठीक आहे, आणि म्हणून याचा लवकर मार्गी लावा, नाही तर बंद करा, नाही तर मग आम्हाला सगळं बंद करायला लागेल, सगळं व्यवस्थित करून थोडा थांबा। तरी किती दिवस? 10-15 दिवस लागते का? आणखीन पावसाळ्याचे दिवस आहे, पावसाळ्याचं पाऊस नाही झाला ना, आज काय परिस्थिती आहे माहिती आहे का? शेतकरी ज्याच्याकडे सिंचन, ऐका सर, ज्याच्याकडे सिंचनाची व्यवस्था आहे, पाणी आहे, पण विद्युत अभावी सिंचन करू शकत नाही। दुसरा गोष्ट, पाण्याच्या जे काही वितरण, पाणी पिण्याचं पाण्याचे वितरण व्यवस्था आहे, आपण त्याचे पाणी पुरवठा नळ योजना म्हणतो, त्याच्यासाठी दररोज वाद होऊन राहते। त्याच्यानंतर पीठ गिरणी, म्हणजे जे काही आपण खातो पितो पीठ पाहिजे ते त्याचे बांधे, अशा सगळ्या, म्हणजे पाणी पुरवठे पैसे काय नाही भरत तुम्हाला? पैसे आम्ही भरतो, पैशाचं काही नाही, तुम्ही वन टाइम आम्ही हे करतो, काही विषय नाही।
कुठं भरलेला आहे पैसे? भरलं तर तो विषय नाही, तो मग तुम्ही पैसे नाही भरत म्हणून असं करता का? आम्हाला पाणी नसते, पाऊस नसते, तुमची हवा नसते, काही नसताना 12-12 तास लाईन बंद बंद राहते 15 दिवसात ते सगळं व्यवस्थित करतात आमच्या बरोबर रेग्युलर. आणि दुसरी गोष्ट, तालुक्यातले जवळपास 55 ग्रामपंचायतीपैकी 72 गावापैकी 22 गावात ट्रान्सफर झालेले आहे. मग ते एजीचे असो, सिंगल फेजचे असो, आणि एक ट्रान्सफॉर्मर परवा दिवशी जळते. आता ते जळल्यानंतर मग ते ट्रान्सफॉर्मर आपण काय फायदा ते हे लावून? किती ट्रान्सफॉर्म जळालेले आहे, कितीतरी मांडव्याचे उदाहरण. आज आम्ही सर्व सरपंचाच्या वतीने विद्युत वितरण कंपनीला निवेदन दिलेलं आहे, जो गेल्या काही दिवसापासून जो काही विद्युतचा लपंडाव सुरू आहे त्याच्यामुळं प्रचंड प्रमाणात सर्वसामान्य नागरिकांसह आपले काही जीवनावश्यक बाबीवर विपरीत परिणाम होत आहे, त्यासाठी आज आम्ही निवेदन दिलं आहे. आणि या निमित्तानं वीज वितरण कंपनीला आमची सर्व सरपंच बांधवांची निवेदनाची विनंती आहे, जर या कंपनीला विद्युत पुरेशी किंवा सुरळीत देणं होत नसेल तर यांचे 24 तास पुरवठा बंद करण्यात यावा, अशा आशयाचे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. आणि या निमित्तानं या वीज वितरण कंपनीने सुरळीत पुरवठा करावा अशी विनंती करतो, आणि न केल्यास आम्ही स्वतः या गावची पूर्णतः लाईन बंद केल्याशिवाय राहणार नाही. ती त्यांनी समस्त ऊर्जा मंत्र्यांसह या जिल्ह्याचे अधीक्षक अभियंता, उपविभागीय अभियंता यांनी दखल घेण्यात यावी, या निमित्ताने विनंती करतो. धन्यवाद. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. आपका स्वागत. इस साल की खरीफ की बुवाई पूरी होने वाली है. कुछ किसानों ने बुवाई पूरी कर ली है और फसल अंकुरित हो गई है और किसानों की बीज की खरीदी कुछ हद तक पूरी हो चुकी है. लेकिन अब किसान अपनी फसलों के लिए खाद खरीदने के लिए कृषि सेवा केंद्रों पर जा रहे हैं. यह किसानों के लिए एक बड़ी असुविधा है, क्योंकि कृषि दुकानदारों द्वारा किसानों को बढ़ी हुई दरों पर दिया जाता है. किसानों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए तालुका कृषि अधिकारी अभय कुमार वटकुटे ने उचित दरों पर उर्वरक बेचने का आदेश दिया है. पूर्ण झाली आहे आणि शेतकऱ्यांना जो काही खीत खत बी बियाणे जास्त भावाने मिळतात याबाबत कृषी अधिकारी म्हणून काय सांगेल? गेवराई तालुक्यात आजपर्यंत 70% पेरणी झालेली आहे आणि पेरणी योग्य आणि व्यवस्थित पाऊस पडत आहे. तसेच तालुक्यामध्ये खताची टंचाई भासत होती, त्या अनुषंगाने
आपण 115 टन DAP आणि 115 टन युरिया हा जो राखीव साठा होता बफर साठा होता तो आपण रिलीज केलेला आहे आणि तो तालुक्याच्या चारही भागामध्ये पोहोचेल अशी आपण व्यवस्था केलेली आहे। तसेच जे कृषी निष्ठा विक्रेते किंवा दुकानदार आपलं खताची लिंकिंग करतात अथवा जास्त दराने खत विक्री करत आहेत त्या तशी तक्रार या कार्यालयास प्राप्त झाल्यास आपण त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई करू। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाई गई विशेष अनुदान योजनाओं ग्राम खनिज नीव योजना एवं श्याम प्रसाद मुखर्जी योजनाओं के माध्यम से ग्राम सड़कों सीवरेज एवं अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए ऐसा पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार इन्होंने कहा। कामठी तालुका के विविध गाँवों के 5,50,00,000 निधि में से होने वाले विकास कार्यों का मंत्री केदार द्वारा भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वह बोल रहे थे। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, उपाध्यक्ष सुमिता कुंभारे, समाज कल्याण अध्यक्ष नेमावली माटे, जिला परिषद सदस्य अवंतिका लेकुरवाले, सरपंच वनिता इंगोले, अनुमंडल पदाधिकारी श्याम मनूरकर सहित अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित थे। विशेष अनुदान योजना अंतर्गत बिड़गांव जीजामाता नगर आराधना नगर 30,00,000 की निधि से सड़कों का निर्माण, तरोड़ी में जिला परिषद विद्यालय के कक्षाओं का निर्माण, जिला खनिज प्रतिष्ठापन योजना अंतर्गत 16,17,000 की निधि से जल शुद्धिकरण संयंत्र और विद्यालय के कक्षाओं का लोकार्पण, 36,00,000 रुपयों में से टेमसाना जल शुद्धिकरण केंद्र, भक्त निवास, आंगनबाड़ी बांधकाम, केम के जल शुद्धिकरण केंद्र, जिला परिषद कक्षाएं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना अंतर्गत 60,00,000 रुपयों की निधि से शिवनी व चिखली के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि के भूमि पूजन व लोकार्पण इस समय हुआ। इस तरह 30,00,000 रुपए के फंड से भूगांव में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 10,00,000 रुपए की निधि से नान्हा मांगली के कवर्क तीर्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत यात्री निवास, जाखे गांव में यात्री आवास के लिए 10,00,000 का फंड, असलवाड़ा गांव में जल शोधन केंद्र व कक्षाओं के लिए 16,17,000 का फंड, अंबाड़ी में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 25,00,000 की निधि से वेयर हाउस, सामूहिक प्रशिक्षण केंद्र और 37,00,000 रुपए की निधि से वडोदरा में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, माता बाल संगोपन उपकेंद्र व कक्षाओं आदि का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। मजबूत सड़क नेटवर्क के निर्माण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचागत कार्य पूरे किए जा रहे हैं, कई नए काम शुरू किए गए हैं। इन सभी कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, वे गुणवत्ता पूर्वक होने चाहिए। अच्छी सड़क निर्माण से विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने निर्देश दिए कि मानसून के दौरान संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए पेयजल टंकियों की सफाई, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति और आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण जैसे महत्वपूर्ण उपायों को प्राथमिकता दी जाए। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा रणाला में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का 57वां स्मृति दिवस मनाया गया। इनके संस्मरण सुनाते हुए सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मकुमारी प्रेमलता दीदी ने कहा कि मम्मा शालीनता, गंभीरता, प्रेम और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थी। मम्मा विश्वविद्यालय की प्रथम प्रशासिका थी जिन्होंने काफी कुशलतापूर्वक यज्ञ की स्थापना और पालना में अपना सहयोग दिया। प्रेमलता दीदी ने कहा कि मम्मा जो कि बाल कल्याण से ही प्रभु प्रेमी आत्मा थी, अपने 13 साल की उम्र से ही ब्रह्म कुमारी विद्यालय में अपना जीवन समर्पित किया था और उन्होंने अपनी मातृतुल्य पालना सभी यज्ञवत्सों को दी। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का जीवन एक उदाहरण मूर्त था। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा कर्मों पर बहुत ध्यान रखा। वो हमेशा कहती थी कि जो भी हो रहा है वो करण करावणहार करा रहा है। इसके पश्चात सेवा केंद्र में मम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर खेल जगत में बेहतरीन प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली कुमारी इशिता राकेश फेंडर को ब्रह्म कुमारी प्रेमलता दीदी और बहनों ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कुमारी इशिता को बचपन से ही अध्यात्म में रुचि है और संस्कारवान बनकर खेल जगत में और भी प्रगति कर देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभ प्रेरणाएं व्यक्त की गई। इससे पूर्व भी इशिता को उसकी उपलब्धियों के लिए कामठी सेवा केंद्र की ओर से सम्मानित किया गया। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला परिषद सदस्य हरीश उइके के नेतृत्व में आदिवासी किसानों ने हाल ही में वन विभाग के अधिकारियों को एक निवेदन देकर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने और आदिवासी किसानों को वन भूमि पट्टे के दावे देने की मांग की।
किसानों द्वारा दिए गए निवेदन के अनुसार 2011 में राष्ट्रीय उद्यान के गठन के बाद से रामटेक और पारशिवनी तालुका के 108 गांवों में आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से चल रहे हैं। हालांकि जनजातीय किसानों को दावे और पट्टे प्राप्त करने के लिए नागरिकों ने सरकार को आवेदन जमा किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि उस जगह आग लगी थी। हालांकि वन विभाग के माध्यम से वन विभाग गरीब आदिवासी किसानों को धमका रहा है क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्यान में आ रहा है और आदिवासी किसानों को मैदान में मुंडारे और TCM नालियों को हटाने की धमकी दे रहा है। हालांकि इस मामले में संबंधित ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग को बिना कोई पूर्व सूचना दिए संबंधित आदिवासी किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसानों के पूछने पर ये जगह आपके पिता की नहीं है, ऐसी शिकायतें हैं कि वन कर्मचारी मामला दर्ज करने और जेल की सजा पाने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी किसानों ने यह भी मांग की कि वन विभाग द्वारा की गई जबरन कार्यवाही को तत्काल रोका जाए, अन्यथा संगठन एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। जिला परिषद सदस्य हरीश उइके ने चेतावनी दी है। कर्मधारकांना पट्टे मिळालेच पाहिजे, अतिक्रमणधारकांना पट्टे मिळालेच पाहिजे। अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने, अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने पे। तो VKB न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।